स्तर पर उसमें आज हम लोग सिप का सर्जरी देखेंगे। सिप में सर्जरी कैसे करके इसमें दो न्यूक्लियस एक मसल्स में दो न्यूक्लियस को इम्प्लांट किया जाता है, उसके बाद हमको मोती मिलता है। तो हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम इसको इसमें इसके अंदर हम लोग कैसे इम्प्लांट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारे पास है यहाँ डेटॉल का लिक्विड है और हमारे पास ये ओपनर है। ठीक है, ओपनर है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। सबसे पहले हम लोग इसको अंदर मुंह में जैसे पानी में रखे रहेंगे। देख रहे हैं आप, पूरा सिप पड़ा हुआ है, यहाँ नीचे रखा हुआ है। ये जैसे मुंह ओपन करेगा तो वैसे ही हम लोग ओपनर के सहायता से मुंह को अंदर करेंगे। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, इसके बाद इसको ऐसा प्रेस करेंगे। उसके बाद प्रेस करने के बाद ये ओपनर है, नॉच है। ठीक है, ये नॉच के ओपनर से अपन इसको खोलेंगे और खोलने के तरफ जिस तरफ इसका मुंह इधर रहता है, मेनली देखा जाए इसका मुंह इस तरफ है। तो हम लोग यहाँ से ऐसा इसको घुसाएंगे, ये पासला, ये इसको अपन बीड्स के सहायता से इसको फंसा लिए। इसको थोड़ा टेढ़ा लगाएंगे जिसकी वजह से मुंह इसमें ओपन रहे। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल कैविटी। ये मेंटल कैविटी बोलते हैं। इसको खरोचेंगे अपन। सो खरोच के इसको खरोचे। खरोचने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा साइड किए। साइड करने के बाद अपन ये न्यूक्लियस पकड़े। न्यूक्लियस को ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस को पकड़ के इसमें हम लोग इम्प्लांट कर दिए। इसको अंदर तक इसको ऐसा प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद इसको ये आप देख रहे हैं, इसको फिर हम लोग इसको जैसे इसका निकाले थे इसको प्रेस कर देंगे। इस तरफ से हम लोग प्रेस करेंगे जिससे हम लोग एक मिनट में हम लोग को दो न्यूक्लियस को यहाँ इम्प्लांट करना रहता है। ये इसका मेथड है। ऐसे हम लोग न्यूक्लियस को इसके अंदर इम्प्लांट करते हैं और एक साल तक रखे रहते हैं। रखे रहने के बाद फिर इसको इसमें से मोती, डिजाइन वाला मोती हमको मिलता है। ये है हमारा न्यूक्लियस। अलग अलग डिजाइन के न्यूक्लियस होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको न्यूक्लियस को दिखा दीजिए, न्यूक्लियस अलग अलग डिजाइन के होते हैं। ये न्यूक्लियस को आप लोग इसके अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं।